ये भी नहीं पता है कल लखनऊ से। बता दूंगा भैया जी। भैया जी, भैया जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप हमको एक बार अनम्यूट कर लीजिए। भैया जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आप बोलिए। अरे आवाज आ रही है। महाराज जी के ऊपर कैमरा ले लीजिए अपना। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। चलिएगा। आप सभी लोग पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि जो महासभा का यह उपक्रम जैनम जूम चैनल के माध्यम से साधुओं की वाणी आप तक पहुंचने को मिल रही है, उन सब काम को वो कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। निर्मल जी सेठी आदि की पूरी टीम, पारस भाई लोहाड़े नासिक और पूर्वी जी आदि जो बहुत सारे लोग उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी को मंगल आशीर्वाद। चलते हैं धर्म श्रवण की ओर। सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ऋमो सिद्धाणम् ऋमो ऐरियाणम् ऋमो वेधायाणम् ऋमो लोये सभ्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवाधिकर्त्री आदिनाथ भगवान की। जय देवाधिकर्त्री शांतिनाथ भगवान की। जय चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय महावीर भगवान की। जय आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। जय आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमदी सागर जी महाराज की। परम पूज्य बुंदेले खंड के श्री आचार्य उद्योग सिद्धांत सागर जी महाराज। बालयोगी परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। महानुभाव, यदि हमारे जीवन में संस्कार होगा तो हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आ सकता। और जब हमारे जीवन में अहंकार नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग परोपकार करने की सोचेंगे। जीवन में जब संस्कार होगा तो वहां पर अहंकार नहीं होगा, और अहंकार नहीं होगा तो हम लोग परोपकार करने की सोचेंगे। और जो व्यक्ति परोपकार करने लग जाएगा वह निश्चित रूप से नमोकार का उपासक बन जाएगा। आज हम समझेंगे कि हमारे जीवन में संस्कार का, अहंकार का, परोपकार का और नमोकार का क्या महत्व है। संस्कार, यह देखिए हर के पीछे कार लगा है,
संस्कार, अहंकार, परोपकार और नमोकार। जिस तरह से सदग्रस्त कार में बैठकर अपने गंतव्य को तय करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से हम सभी इन चार कारों के माध्यम से अपने जीवन रूपी गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप कार में बैठते हो, कार में बैठने के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करते हो, लेकिन जो व्यक्ति इन चार कारों पर बैठकर उनको सही तरीके से हैंडल कर लेता है, वही भी अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कार में बैठना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार में बैठने के बाद में उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसको ले जाना है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से जो जीवन रूपी कार होती है उसको हम लोग जब चलाते हैं, तो जीवन रूपी जब कार हम चलाते हैं तो उसमें हमें ये दिखना पड़ता है, जो आपकी कार आप चलाते हो उसको हमें यह दिखना पड़ता है कि किस स्पीड से हमें चलाना है, किस स्पीड से हमें गाड़ी दौड़ाना है, किस स्पीड से हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो उसी तरह से यह जो जीवन रूपी चार कारें हैं, संस्कार, अहंकार, परोपकार और नमोकार, इनमें आपको सवार होने की क्षमता है, लेकिन सवार होने के बाद में आपको इसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से आपको गति से चलाना है, किस वेग से चलाना है, कहां ब्रेक लगाना है, कहां पर आपको स्पीड बढ़ाना है, कहां से आपको ओवरटेक करना है, कहां पर रेड लाइट देखकर आपको रुकना है, कहां पर येलो लाइट देखकर आपको तैयार होना है, और कहां पर ग्रीन सिग्नल देखकर आपको वापस तेजी से चलना है, कहां पर आपको स्पीड ब्रेकर आकर आपको रुकना है, यह सब आपको जानकारी होना जरूरी है। तो पहली बात बताई मैंने आपको संस्कार, कि जो महत्व जीवन में श्वास का है वही महत्व हमारे जीवन में संस्कार का है। आज आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए मॉल ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए कार की दुकान पर ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुओं खाने के देने के लिए कहीं होटल पर ले जाकर खिला सकते हो, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आपको कहीं मॉल में ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार आपके घर के माहौल से आएंगे। यदि घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे को कहीं मॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप माहौल में सारा काम संपन्न हो जाएगा। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अल्प वय में तो संस्कारित करते हैं, संस्कारों का बीजारोपण तो आपने कर दिया, और लेकिन एक समय के बाद में आप उन पर ध्यान देना बंद कर देते हो, तो जो आपने संस्कार दिए हैं वह डिब्बे में पैक हो जाते हैं, और डिब्बे में कितनी भी कीमती वस्तु क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह डिब्बे से बाहर नहीं आएगी, जब तक आपको उसका महत्व मालूम नहीं चलेगा। हमारे साथ यही हो रहा है कि हमने बच्चों पर ध्यान उस समय तो दिया जब वह अबोध थे, लेकिन जब वह अबोध से बोधता की ओर बढ़ रहे थे, पहले उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह अपने आप कहीं जा सके, तो आप उनको उंगली पकड़कर मंदिर ले गए, उंगली पकड़कर समीर शिखर जी ले गए, उंगली पकड़कर गुरु के पास ले गए, लेकिन जब उनमें इतनी समझ आने लगी कि वह अपने आप मन से कहें कि हमें जाना है, उस समय हमने हल्का सा ध्यान छोड़ दिया, और आज अंतर्गत का परिणाम यह होता है कि हमारे यहाँ पर संस्कारों की कमी आ जाती है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो बचपन के संस्कार हैं वह बुढ़ापे में व्यक्ति को टेरते जरूर है, बुढ़ापे में व्यक्ति को वापिस बुलाते जरूर है। तो आप जो संस्कार दे रहे हो वह निश्चित रूप से बुढ़ापे में काम तो आएंगे, लेकिन जो संस्कार की जरूरत है वह मध्य उम्र में अर्थात जवानी में संस्कार की जरूरत होती है, वह आपके कैसे चल रहे हैं इसका निर्णय आपको करना है। आज हम देखते हैं इस संस्कार के लिए हम लोगों को, बच्चों को मुनियों के पास लाते हैं, मंदिर में लाते हैं, स्वाध्याय से जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। आज वर्तमान में मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होगा जिन्होंने जैन धर्म में लिए उत्पन्न बच्चे को नमोकरण ना सिखाया, 24 भगवानों के नाम ना सिखाए हो, 24 भगवानों के चिन्ह ना सिखाए हो, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि आपने अपने बच्चों को सालों 24 भगवान के नाम सिखाए हैं, सालों मेरी भावना पढ़ाई है, सालों गुरुओं के नाम बताए हैं, लेकिन बड़ा होकर जब आप बच्चे से पूछते हो कि भगवान आदिनाथ का माता पिता का नाम क्या है, तो बच्चे को बड़ा, यदि संस्कार मैंने ही है तो बड़ा उसको दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसी बच्चे से आप किसी हीरो हीरोइन का नाम पूछ लो, ये पूछ लो कि उसकी पहली फिल्म कवरेज हुई थी, उसने फिल्म बहुत अच्छी कौन सी बताई थी, तो बच्चे को सब कुछ पता है।
जिसमें आपने कभी किसी बच्चे को, माता पिता ने किसी बच्चे को ना हीरो हीरोइन के बारे में बताया है, ना रोहित शर्मा तेंदुलकर के बारे में बताया है, ना किसी विलेन के बारे में बताया हुआ है, ना किसी चीज के बारे में बताया, लेकिन उसको उनकी सारी हिस्ट्री पता है। उसका कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आज के जमाने में बच्चे को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा समय परिवर्तित कीजिए। पहले के जमाने में लोग सिखाने से सीखते थे, लेकिन वर्तमान में लोग दिखाने से सिखाते हैं। आज प्रत्येक माता पिता की एक सबसे बड़ी समस्या है, प्रत्येक माता पिता की एक बहुत बड़ी समस्या है, उनकी समस्या यह है कि मेरे बच्चे धर्म करना नहीं चाहते। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आज आपके बच्चे धर्म करना ही चाह रहे हैं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप तो विचार करिए, आपने अपने बच्चों के कारण कितने बार मंदिर छोड़ा, आपने अपने बच्चों के कारण कितने बार गुरुओं का सत्संग छोड़ा है, आपने कितने बार अपने बच्चों की खुशी के लिए, अर्थात बच्चों के घर स्कूल में पेरेंट मीटिंग होती थी और मंदिर में महाराज का सत्संग चल रहा था, आपने कई बार उस सत्संग को छोड़ा है, कई बार सब कुछ किया है, तो बच्चों को ये मालूम चल गया कि मम्मी पापा के लिए महत्वपूर्ण कौन है, और वह महत्वपूर्ण हो गया तो आज वह आपको स्कूल ब्लैकमेल करता है, आज वह आपको समस्या प्रदान कर रहे हैं। अरे आप उनको बराबर पहला लेके चलिए, घड़ी के दो कांटे हैं, एक कांटा बंद हो जाए तो घड़ी समाप्त हो जाती है, तीन कांटे में से एक कांटा उठ जाए तो घड़ी चलना बंद कर देती है, और जब दोनों कांटे एक साथ में आते हैं तो 12 बजे 7:35 पर आदि आदि जब आते हैं कांटे साथ में, तो उस समय देखिए दोनों कांटे जुड़ जाते हैं तो लगता है कि पूरा एक कांटा। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि हम लोग उनके साथ में उनकी भावनाओं की तो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने कभी बच्चों के सामने अपनी भावना नहीं रखी। बात धर्म की नहीं, बात इतनी है कि जो आपकी अन्य भावनाएं भी हैं, गृह धर्म में पालते हुए आपकी अन्य इच्छाएं भी हैं, उनको बच्चे के कारण आपको छोड़ना पड़ती है, लेकिन उस बच्चे को आपने कभी समझ नहीं दी कि मैंने तेरे लिए इतना छोड़ा है तो तू भी तो मेरे लिए कुछ तिलांजलि दे, तू भी तो मेरे लिए कुछ छोड़। तो संस्कार कैसे हैं, संस्कार कहीं पर बाजार में नहीं मिलेंगे, संस्कार किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, संस्कार कहीं पर नहीं मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे अपने घर के माहौल से, अपने परिवार के माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से। यदि आपके आसपास का वातावरण दूषित होता है तो आप बीमार हो जाते हैं, आपके घर के आसपास यदि कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसकी दुर्गंध आपके कानों तक आपके नाक तक आ जाती है, यदि कोई जानवर बीमार होकर होता है तो उसकी कान में आपकी आवाज आ जाती है। उसी प्रकार से आपके पास आसपास का यदि वातावरण, आपके आसपास का माहौल खराब होगा तो बच्चा संस्कारित कैसे होगा। तो हमें अपने बच्चे को संस्कार बनाना है, तो उनको अच्छी शिक्षा दो, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के साथ में उसको अच्छा इंसान बने यह भी उसको शिक्षा देने का आपको प्रयास करना है। आज प्रत्येक माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा सीए बन जाए, मेरा बच्चा बिजनेसमैन बन जाए, मेरा बच्चा एमए बन जाए, मेरा बच्चा बीए बन जाए, मेरा बच्चा बीटेक बन जाए, मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन आज तक किसी माता पिता ने यह सोचा कि मेरा बच्चा एमए तो करे लेकिन उसके आगे एन लग जाए, अर्थात मैन आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए। एक कहानी बड़ी प्रचलित है, आप सबों ने कईयों बार सुनी होगी। एक गांव में कुएं के पास चार महिलाएं पानी भर रही थी, और निश्चित रूप से ये तो बड़े जोक चुटकुले होते हैं, जो चुटकुले होते हैं यदि चार लोग एक जगह पर हैं तो वे मौन तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ वार्तालाप करेंगे। तो वार्तालाप क्या करते हैं आप, अपने बच्चों के बारे में करते हो, जो खाया पिया उसके बारे में बात करते हो, जो खरीदा उसके बारे में बात करते हो, वार्तालाप और तो करोगे, पानी भरते ये तो नहीं करोगे कि ये पानी जो भर रही हूँ ये मुनि महाराज जी के आहार के लिए जा रहा है। ये कर लोगे तो हो सकता है कि दूसरी को भी प्रेरणा मिल जाए कि मुनि महाराज के आहार में पानी भी लगता है। कभी ये मतलब करते हो कि ये पानी जो भर रहे हैं ये भगवान जी के अभिषेक के काम में आए, ये सब बातें तो करते नहीं। तो चारों महिलाएं आपस में बात कर रही थी, पहली कहती है कि मैं तो धन हो गई, मेरे कोख से जन्मा मेरा बच्चा आज कलेक्टर के पद पर आसीन है। दूसरी कहती है कि मैं तो धन हो गई, मेरे कोख से जन्मा मेरा बच्चा बहुत बड़ा पहलवान बन गया। तीसरी कहती है कि मैं तो बड़ी भाग्यशाली मानती हूं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इतने में चौथी शांत थी, उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, तो उसके पोस्ट में कोई जवाब नहीं था। इतने में कलेक्टर बेटा सामने से आ रहा था और चारों महिलाएं अपने सिर पर खड़ा रखकर चल रही थी। तो कलेक्टर बेटे ने माँ से कहा, माँ ठीक तो हो ना, कोई समस्या तो नहीं है, और वह करके अपने आगे बढ़ गया। दूसरे वाले का पहलवान बेटा आया, दो तीन पहलवान साथ में थे, उसने
मासे का मार ठीक तो है ना, मैं कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ और वह भी आगे बढ़ गई और यह अपना बच्चा आगे बढ़ गया। तीसरे लड़का जो बिजनेस मैन था वह कह रहा था, माँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज बहुत बड़े व्यापारी मेरी दुकान पर आने वाले हैं, मेरे ऑफिस में आने वाले हैं, उनसे मुझे डील करना है, वो आगे बढ़ गई। इतने में चौथा एक बच्चा भागते भागते आ रहा था, उसने कहा, माँ मैं घर में सोता रह गया और तू पानी भरने आ गई, मैं घर में सोता रह गया और तू पानी भरने आ गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। हे माँ मुझे कितना अपराध बोध हो रहा है कि मेरी माँ खड़े को लेकर यहां तक कैसे आई, जल्दी मुझे खड़े दे। फिर उसने बताया कि मेरा जो बच्चा है वह बहुत बड़ा शिक्षित है, टीचर है और कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मात्र भक्त है, पिता भक्त है, गुरु भक्त है। तो हमारे बच्चे कलेक्टर बने बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट बने बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनके अंदर ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो कि वह अपने माता पिता का मकसद बने, गुरुओं का मकसद बने, जिनवाणी का उपासक बने। आज स्थिति क्या है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपका बच्चा आदिनाथ भगवान बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि आपका बच्चा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जैसे संत बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बच्ची चंद्रमाला ब्रह्मी सुंदरी बन जाए, लेकिन मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं और आप सबसे इतना जरूर अपेक्षा रखता हूं कि आपका बच्चा आदिनाथ भगवान बने ना बने, पार्श्वनाथ भगवान बने ना बने, शांतिनाथ भगवान बने ना बने, आचार्य सम्मति सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर, आचार्य सौभाग्य सागर महाराज बने ना बने, लेकिन आपका बच्चा कम से कम आदिनाथ भगवान का, सिद्धांत सागर जी महाराज का, पार्श्वनाथ भगवान का भक्त तो जरूर बन जाए, आपका बच्चा इतना तो बन जाए कि हाथों में कलश ले और आदिनाथ भगवान किसी चरणों बता दे, आपका बच्चा इतना तो बन जाए कि जब कभी कोई मुनिराज नगर में आ रहे हैं तो उनके अंजलि में आहार को दो, ये संस्कार देने का प्रयास करें और यह संस्कार यदि आप दोगे तो समझ लेना कि आपका जीवन कल्याणकारी बन जाए। तो पहली बात है संस्कार, दूसरी बात है अहंकार। जब तक जीवन में संस्कार का आगमन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में अहंकार का समावेश रहेगा, क्योंकि देखिए एक जगह पर एक साथ में एक वस्तु रह सकती है, या तो संस्कार को रख लें या तो अहंकार को रख लें, और अहंकार जो व्यक्ति करता है आप समझते हैं कि अहंकारी व्यक्ति फल तो सकता है, फूल तो सकता है, लेकिन फल नहीं सकता, फल फूल की सामर्थ्यता जो होती है हम कहते हैं फूलो फलो, अहंकार में व्यक्ति क्या होता है फूल तो जाता है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल जब खरीदते हो एकदम चिपकी रहती है, जैसे ही उसके अंदर हवा भरी जाती है फूल के कुप्पा हो जाती है और वह अहंकार करती है गेंद के साथ में कि देख तू तो छोटी की छोटी रह गई और मैं कितनी बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैदान में जाते हैं तो गेंद को तो बल्ले से स्पर्श होता है लेकिन फुटबॉल को लोग लातों से कूद कूद के मारते हैं। तो ध्यान रखिए जो अहंकार करेगा उसकी स्थिति यही बताएगी, अहंकार आपको अंतरंग से भी नष्ट करता है और बहिरंग से नष्ट करता है। अहंकार आपका ऐसा वह अजात शत्रु है जो आपके इस भाव को भी और प्रभाव को भी नष्ट करने का प्रयास करता है। आप संस्कार में हो जाइए आपका अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, आप संस्कार में बनोगे आपके जीवन से अहंकार अपने आप पलांजलि हो जाएगी। अहंकार किस पर, अहंकार किन वस्तुओं पर, अरे जो वस्तुओं के लिए बड़े बड़े लोग अहंकार करके चले गए आज उनके यहां पर कुछ भी नहीं। अहंकार मान को कहते हैं, मान कारण ते मर गए, मान कारण ते मर गए, रहे ना तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। आज पूरी दुनिया में राम नाम को लोग चाहते हैं, रावण नाम को सुनना ही पसंद नहीं करते, कौरव नाम को कोई पसंद नहीं करता, कंस नाम को कोई पसंद नहीं करता। रावण नाम में खराबी नहीं है बल्कि रावण नाम के व्यक्ति ने इतना अहंकार किया कि लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अहंकार को समाप्त करो। अहंकार किस पर और किसके लिए, आज जिस वस्तु पर अहंकार कर रहे हो वर्तमान में आप देख रहे हैं, घर में पैसे भरे हैं, अलमारी में सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन उसको पहनकर घर में घूमते हो क्या? जो सोना चांदी पहनकर अहंकार बन के स्वर्ग पर जाते थे आज आप घर से बाहर ही नहीं जा पा रहे तो घूमोगे क्या? जिस वस्तु का अहंकार था आज वह वस्तु मात्र आपके सामने है और आप खुद देख लो, ये बिल्कुल जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस वस्तु का अहंकार करते हो वह सिर्फ आपके लिए अहंकारी बनाती है और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप किसके लिए दिखा रहे हो? आप उनको दिखाओ जो आपके जीवन को संभाले, आप उनको बताओ जो आपके जीवन को सच्चा बनाए। तो अपने जीवन को अहंकारमय ना बनाए, अपने जीवन को संस्कारमय बनाए, क्योंकि अहंकारमय बनाओगे तो डूब जाओगे
और संस्कार में बनाओगे तो उतर जाओगे, डूबते वाला भी संस्कार से उठ जाता है। जितना जितना व्यक्ति अहंकार करता है उतना उतना वह नीचे की ओर जाता है, और जितना जितनी व्यक्ति संस्कार में बनता है वह ऊपर ऊपर जाता है। तो संस्कार में आप जीवन करोगे तो अहंकार निकल जाएगा, और जब संस्कार आएगा अहंकार निकल जाएगा तो आपके अंदर परोपकार करने की भावना होगी। परोपकार, पर का उपकार, पर के प्रति अच्छे भाव, दूसरों के लिए अच्छी भावना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, यह होता है परोपकार का लक्ष्य। मनुष्य परोपकार नहीं करते, मनुष्य तो बहुत कम परोपकार करता है। या तो परिस्थिति है, यदि किसी को भोजन दे रहे हैं तो पहले फोटो खिंचाते हैं कि आज मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया, ये परोपकार नहीं किया, तुमने खाली प्रसिद्धि पाई। लेकिन मनुष्य से ज्यादा परोपकार कौन करता है? नदी, नदी यदि बहना बंद कर दे पानी को त्राही त्राही हो जाएंगे, पेड़ यदि फल देना बंद कर दे खाने को लाले पड़ जाएंगे, यदि गेहूं आदि अनाज निकलना बंद हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो पेड़ भी परोपकार कर रहे हैं, फसल भी परोपकार कर रही है, नदी पानी परोपकार कर रहे हैं, बादल भी परोपकार कर रहा है, ये बिना दिखावे के परोपकार करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमने यदि किसी को कुछ दे दिया तो लोग सबसे सबसे बड़ा परोपकार कर दिया। परोपकार ये नहीं है, परोपकार तो वह है कि जिसकी अपनी आत्मा को संतुष्टि मिले, अपने अंदर से पर के प्रति उपकार की भावना निकले, वह ठीक है। प्रेरणा देना जरूरी है, बताना जरूरी है। जो आयोजक मंडल होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वह प्रेरणा देते हैं कि आपकी दान भावना को देखकर, आपकी परोपकार की भावना को देखकर दूसरे को भी चांस मिल जाए, दूसरे की भी मन की भावना आ जाए। लेकिन हम जो परोपकार कर रहे हैं वह अपने परोपकार, पर उपकार, पर भव के लिए हम जो है अपना कल्याण कर रहे हैं। तो अपने पर भव को सुधारने के लिए परोपकार कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दान को दो तो छपा छपा कर मत दो, बल्कि छिपा छिपा कर, क्योंकि दान को यदि आप छिपा छिपा कर देते हो तो उसका फल आपको यहीं छपने के बाद मिल जाएगा, और जो छिपा छिपा कर देता है वह पता नहीं कितने बार तक जाएगा। आप देखिए, आप यदि शर्ट पहनते हो, शर्ट के ऊपर आपने क्या छिपा रखा है वह सबको दिखता है, लेकिन शर्ट के अंदर आपने क्या छिपा रखा है, अंदर वाली जेब में आपने कितने पैसे रख रखे हैं, यह किसी को नहीं दिखता। तो जिस प्रकार से आप अपने पैसे को छिपा छिपा कर ले जाते हो, उसी प्रकार से जो परोपकार करते हो आप, ठीक है प्रेरणा देने की बताना पड़ता है, व्यवस्थापक होते हैं, मंडल होते हैं, मंच होते हैं, उनको काम करना जरूरी है, लेकिन हम अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए काम ना करें, हम तो बल्कि सिद्धि पाने के लिए कार्य करें। प्रसिद्धि पाओगे जगह प्रसिद्ध हो जाओगे, लेकिन सिद्धि पाने का प्रयास करोगे एक ना एक दिन सिद्ध जरूर बन जाओगे। तो प्रसिद्धि पाने को छोड़ें, सिद्धि पाने का उपक्रम करें। तो जीवन में अहंकार को समाप्त करें, परोपकार को लाएं, और जो व्यक्ति परोपकार को करता है वह एक ना एक दिन, एक ना एक दिन नमोकार का उपासक बन जाता है। नमोकार सभी जानते हैं, हमारे जैन धर्म का मूल मंत्र है। और जो व्यक्ति नमोकार की उपासना कर सकता, कर लेता है, उसके जीवन में कहीं भी कोई मान अहंकार सम्मान की चेष्टा कुछ भी नहीं रहती। पूरे दुनिया में करोड़ों मंत्र हैं, अनेक अनेक भगवान को मानने वाले हैं, अनेकों अनेक भगवान की पूजा करने वाले हैं, अनेकों अनेक जाप करने वाले हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ नमोकार मंत्र क्यों कहा गया? हर मंत्र में ओम नमः, नमः डैश नमः अरि सब आता है, लेकिन हमारे जैन धर्म के मूल मंत्र में नमो अरिहंतलम जब कहा जाता है तो कहते हैं अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धालम सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आयरियाणम आचार्यों को नमस्कार हो, नमो उपाध्यायाणम उपाध्यायों को नमस्कार हो, और नमो लोहे सम्भसाणम अर्थात सब साधुओं को नमस्कार हो। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये बात तो आप सब जानते हो कि नमोकार मंत्र को मैं पांच बार पांच परमेश्वरी को नमस्कार किया जाता है, लेकिन यह बात मैंने इसलिए यहाँ पर कही कि जो व्यक्ति नमोकार का उपासक होता है उसकी गर्दन एक बार ही झुकती है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोहे सम्भसाणम, कि एक बार गर्दन अहंकार में नहीं झुकेगी, दूसरी बार गर्दन अहंकार में झुकेगी, तीसरी बार गर्दन अहंकार में झुकेगी, चौथी बार गर्दन अहंकार में झुकेगी, लेकिन पांचवी बार तो गर्दन अहंकार, कितना भी अहंकारी व्यक्ति क्यों ना हो उसकी गर्दन झुक जाएगी। और उसके पांच बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भी यदि मस्तक झुकता नहीं है तो समझ के चलना कि मस्तक टेढ़ा होना जानता ही। यदि नमस्कार मंत्र जाप करने के बाद में, सारी की सारी करने के बाद में यदि मान लीजिए यह मस्तक झुकना नहीं जानता है तो समझ लेना कि इसको झुकना नहीं आता, यह सीधा स्ट्रेट है। और स्ट्रेट कौन होता है, मैंने तीन चार दिन पहले बताया था कि जो मुर्दा होता है वह खड़ा रहता है। जो मुर्दा होता है, जीते जी मुर्दे की पहचान हो गई है, जो अकड़ता है
वह मुर्दे के समान हो जाता है और जो सिकड़ता है वह भगवान का भक्त बन जाता है। सिकुड़ना कैसे है, अकड़ना कैसे है, मंदिर में होता है। मैं जब प्रवचन देता हूँ, विधान कराता हूँ, देखता हूँ यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बाजू में इतना स्पेस है कि एक व्यक्ति आके बैठ सकता है और सामने से किसने एंट्री मारी, और मेरी आदत पता है लोगों को कि भाई कोई आदमी आएगा महाराज जी बैठाने की बात करेंगे, तो आदमी वो फैल फैल के थोड़ा और फैल जाएगा कि जिसमें मतलब महाराज जी को लगे नहीं कि यहाँ बैठ सकता है, और ज्यादा होगा तो अपना क्या करेगा, तो थाली है, थाली को उठा के भाग देगा, प्लेट को उठा के भाग देगा। बचपन में होता था, ट्रेन पकड़ना होती थी, लोग कपड़ा डाल देते, सीट रिजर्व कर देते ट्रेन बस में। तो ये अहंकार है, ये क्या है, ये अहंकार है कि फैल रहा है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि अकड़ रहा है, अकड़ के बैठ रहा है। और सिकुड़ना वाला कैसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आया, महाराज जी हो चाहे ना हो, महाराज जी देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, वह व्यक्ति का थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ के बैठ जाता है कि कम से कम मेरा साधन ही आ रहा है, तो वह बैठकर कम से कम जाप तो कर ले, वह बैठकर पूजा तो कर ले, वह बैठकर सारा का सारा काम तो संपन्न कर ले। तो अपने जीवन को अहंकार से रहित करिए, संस्कार में बनाइए, और जब अहंकार को संस्कार को अपने जीवन में स्थान दोगे तो अहंकार को समाप्त करो, संस्कार को स्थान दो, परोपकार अपने आप होगा और लमोकार की जब अपने आप बैठ जाओगे। तो अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है तो संस्कार दें, और प्राप्त संस्कार देने की उम्र कब से होती है, तो संस्कार महाराज जी आपकी आवाज बंद हुई है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट होने वहां से भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए। अपने जीवन को संस्कार में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को देव सासुरु की संगति में लगाएं, क्योंकि जो व्यक्ति देव सासुरु के संपर्क में आता है उसका जीवन संस्कार बनता है। अपने जीवन को संस्कार बनाएं, चालना लेकर काम करेंगे, संस्कार ही पतित को पावन बना देते हैं, संस्कार ही पतित को पावन बना देते हैं, संस्कार ही नर को नारायण बना देते हैं, संस्कार ही पतित को पावन बना देते हैं, संस्कार ही नर को नारायण बना देते हैं। संस्कार की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, संस्कार की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, संस्कार ही भक्त को भगवान बना देते हैं, संस्कार ही भक्त को भगवान बना देते हैं। केवल ये आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। नमस्ते।